रही है वो है गुरुग्राम से, जहां पर आज गुरुग्राम का दौरा करने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री। साथ ही गीता महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी करेंगे। विधायक सुधीर सिंगला के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। गुरुग्राम को सीएम विकास परियोजनाओं की मनोहर सौगात भी देंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं सुधीर सिंगला, उनका जो कार्यालय है उस कार्यालय का उद्घाटन आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो गुरुग्राम में आज मुख्यमंत्री, इस दौरान गुरुग्राम वासियों को कई सौगातें भी मिल सकती हैं। कई ऐसी परियोजनाएं हैं अलग अलग जिनका उद्घाटन करेंगे, जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आज का शेड्यूल मुख्यमंत्री का गुरुग्राम में रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूंगा, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। सबसे पहले वो गुरुग्राम से जो विधायक है सुधीर सिंगला, उनके कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ वो जनता से, लोगों से रूबरू भी होंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, जिसके बाद उनका जो निदान है, उनका जो समाधान है, वो सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही साथ उनका निपटारा भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में आएंगे तो लोगों की काफी समस्या है। सबसे बड़ी बात करूं तो रोड की और जो पानी की समस्या है वो लोगों की बनी हुई है, क्योंकि नगर निगम गुरुग्राम ने भी एक मुहिम चलाई है कि निगम आपके द्वार। तो कहीं ना कहीं वो उससे भी यानी कि जोड़ के इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ निगम लोगों की समस्या दूर करने की बात कर रहा है और आज मुख्यमंत्री लोगों से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है गुरुग्राम दौरा, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं काफी दिनों से चलती आ रही है उनका समाधान हो पाएगा। और उसके बाद ग्रेवेंस मीटिंग की लेंगे, जहां पर जो मुख्यमंत्री है वो उसके अध्यक्ष है गुरुग्राम की ग्रेवेंस कमेटी के। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री करीबन 2 से 3 कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले विधायक के कार्यालय का उद्घाटन, उसके बाद जनता से रूबरू होंगे, उसके बाद जो ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनसे जो एक चर्चा करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसमें कुछ समस्याएं रखी जाएंगी जिनका वो, क्योंकि लास्ट टाइम जब गुरुग्राम में मीटिंग हुई थी ग्रीवेंस की, करीबन 11 समस्याएं रखी गई थी, जिस वजह से साथकन तुरंत मौके पर निपटारा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के उलझे हुए मामले हैं वो आज ग्रीवेंस की कमेटी से भी सुलझने वाले हैं। जी संजय, जरा समय की जानकारी भी दे दीजिए, मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम का टाइमिंग है वो क्या है? जी बिल्कुल, आज 11 बजे गुरुग्राम में मुख्यमंत्री का पहुंचने का समय है, जिसके बाद हम सिविल लाइन की बात करें, वहां मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे और जिसके बाद ही कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको तय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी संजय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे, अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।